लंबाई हम 14 इंच लेंगे, इसमें मार्जिन के साथ है 3 इंच हम लेंगे गला के नीचे की चौड़ाई जो पट्टी रहती है, 6 इंच हम लेंगे, 6 इंच आरमोल है, सारे निशान को अब हम सीधा करेंगे अच्छी तरह से। गले की चौड़ाई आप अपने हिसाब से भी कम ज़्यादा रख सकते हैं, इसको पान गले का शेप देंगे। पीछे वाले आर्महोल में 1 इंच पर हम गोलाई देते हैं। हमारा चेस्ट 36 इंच का है तो 36 का चौथा भाग 9 होगा तो 9 इंच पर हम लगाएंगे। हमारा हमारा 28 इंच है तो 28 का चौथा भाग हुआ 7 इंच और 1 इंच टेंस के लिए तो 8 इंच पर हम निशान लगाएंगे। अब हम गले की कटाई करेंगे अच्छी तरह से फिनिशिंग के साथ। इसी तरह हम अस्तर को मेन कपड़े पर रख कर अच्छी तरह से कटिंग कर लेंगे सी शेप में। अब हम मेन कपड़े के ऊपर अस्तर को रखेंगे और अच्छी तरह से बिछा लेंगे अस्तर को, और गले में हम सिलाई लगाएंगे और नीचे भी हम पलट कर सिलेंगे, बकरम नहीं लगाएंगे, अच्छी तरह से हम सिलाई चलाएंगे हाथों से बिठाते हुए। इसी तरह हम गले में भी सिलाई लगा लेंगे। अब नीचे और गले में भी छोटा छोटा कट लगाएंगे, इससे उलटने पर फिनिशिंग के साथ गला आता है, सिकुड़न कहीं भी नहीं आता है। अब हम अच्छी तरह से इसको उलट लेंगे ऐसे ही, इसको हम नाखून से बैठा लेंगे या आप चाहे तो प्रेस से भी बैठा लें, प्रेस से भी बहुत अच्छा फिनिशिंग आता है। पूरे गले में हम एक पैर का सिलाई चलाएंगे, इससे फिनिशिंग ज़्यादा आता है। साढ़े 3 इंच पर हम पीछे के लिए टेक्स के लिए निशान लगाएंगे और हाफ हाफ इंच पकड़ कर सिलाई करेंगे हम। अब हम 1.5 इंच चौड़ाई में पट्टी लेंगे और लगभग 2 मीटर ये लंबाई रहेगी इसकी, और इसको हम इसी तरह डोरी बनाएंगे। हम सुई धागे की मदद से इसे पलट लेंगे डोरी को अच्छी तरह से।
रखने के बाद अच्छी तरह से इसे बैठा लेंगे हाथ से या फिर इसे। उसके बाद 1.5 इंची का हम छोटा छोटा पट्टी काटेंगे। को इस तरह मोड़कर गले पर लगाएंगे डिजाइन के लिए। सबको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।